नमस्कार दोस्तों, यदि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से आकर के हिमाचल प्रदेश को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो आज वाईटी भारत पर मोस्ट डिमांडिंग ग्रैंड हिमाचल का मैं टूर पैकेज लेकर के आ गया हूं। रेट है बेहद कम क्योंकि ऑफ सीजन लगने ही वाला है। ऐसे में अगर आपको हिमाचल की सैर करनी है तो इस टूर पैकेज को बुक करवाने के लिए वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ट्रेवल कंपनी का नंबर दे दिया है, तुरंत कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, सारी जानकारी हासिल करिए और इस टूर पैकेज को बुक करवा लीजिए। इस पैकेज में आप रुकेंगे 2 नाइट शिमला के अंदर, 3 नाइट मनाली के अंदर, 1 नाइट धर्मशाला, 2 नाइट डलहौजी और 1 नाइट अमृतसर में आपका स्टे रहने वाला है। इस जबरदस्त टूर पैकेज को बुक करवाने के लिए बिल्कुल भी ना सोचें, वैलिडिटी होने वाली है 15 अप्रैल 2025 तक के लिए। एक्सेप्ट जो डेट है वो है 20 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी 2025 के बीच में। 2 नाइट एकोमोडेशन इन शिमला, 3 नाइट मनाली, 2 नाइट डलहौजी, 1 नाइट धर्मशाला, 1 नाइट अमृतसर, 9 ब्रेकफास्ट, 9 डिनर, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम दिल्ली या चंडीगढ़ से, ऑल ट्रांसफर एंड साइटसीइंग बाय एसी प्राइवेट व्हीकल, बट एसी विल नॉट वर्क ऑन द हिल्स। ऑल टोल टैक्स, पार्किंग चार्जेस, ड्राइवर चार्जेस, फ्यूल कॉस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। ऑल टोल टैक्स इंक्लूडेड है। पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, एनीथिंग एल्स जो बताया नहीं गया, एनी एक्स्ट्रा सर्विस, एडवेंचर एक्टिविटीज, पर्सनल एक्सपेंसेस, फ्लाइट, ट्रेन, फेरीज एक्सेट्रा, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। डे वाइज आइटनरी में दोस्तों, डे 1 पर आप निकलेंगे दिल्ली से शिमला के लिए, 380 किलोमीटर की जर्नी 9 घंटे के आसपास कवर करती है। दोस्तों शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ बहुत ही खास करके ऐसा हिल स्टेशन है जहां पे हर प्रकार की वाइब आपको फील होने वाली है। शांति भी मिलेगी, पीस भी मिलेगी और ऐसे ऐसे साइटसीइंग प्लेसेस मिलेंगे जो एक बार देखने के बाद आपको अंग्रेजों के जमाने वाली फील देने वाले हैं, जब बिल्कुल आपको सुंदरतम एनवायरमेंट दिखता था और शिमला आपको शिमला जैसी एक्चुअल में दिखती थी। अराइव करिए दिल्ली एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर, मीट एंड असिस्ट, ड्राइव टू शिमला, समर कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ऑन अराइवल चेक इन करेंगे अपने होटल के अंदर, रेस्ट करेंगे, फ्री है फिर इंडिविजुअल एक्टिविटीज के लिए, ओवरनाइट स्टे होगा आपका शिमला के अंदर। दोस्तों ये आपका दिल्ली से शिमला का पिकअप बाय प्राइवेट कार के द्वारा होना है। डे 2 पर आप शिमला की फुल डे की साइट सीइंग करने वाले हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए, ऑल अराउंड साइट सीइंग रहने वाली है आपको शिमला। इस दिन आप विजिट करेंगे कुफरी, इंडिया वन ऑफ द बेस्ट हॉलीडे पैराडाइज। कुफरी इन शिमला इज ब्यूटीफुल, टग्ड ऑन एन एल्टीट्यूड ऑफ 2622 मीटर है अबाव सी लेवल से। दोस्तों शिमला के कुफरी के एडवेंचर पॉइंट पर पहुंच करके आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट, स्कूल, किसी भी तरीके के ग्रुप में आ सकते हैं और यहां पर आपको कुफरी में एडवेंचर पार्क भी देखने को मिल जाएगा। कुफरी के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके दूरबीन के द्वारा आप कुफरी के आसपास के सभी साइटसीइंग को जो इंपॉर्टेंट है वो देख भी सकते हैं और इंजॉय भी कर सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे वापस शिमला के अंदर, द मॉल, द रिज, गेटी थिएटर, क्राइस्ट चर्च, इसके साथ साथ जैकू टेम्पल जैसी जगहों पर आप अपने आप विजिट कर सकते हैं क्योंकि सब वॉकिंग डिस्टेंस पर रहने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद लौटेंगे आप अपने होटल में, डिनर करेंगे और ओवरनाइट स्टे करने वाले हैं। डे 3 पर निकलेंगे शिमला से कुल्लू और मनाली के लिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट लीव फॉर मनाली ऑन द वे साइट सीइंग लाइक सुंदर नगर लेक, पंडोह डैम, वैष्णो देवी टेम्पल, कुल्लू एंड ओवरनाइट स्टे रहेगा आपका मनाली के होटल के अंदर। डे 4 पर मनाली की लोकल साइट सीइंग रहने वाली है। ब्रेकफास्ट करिए, लोकल साइट सीइंग के लिए निकल जाइए जिसमें 1553 में बना हुआ हिडिंबा देवी टेम्पल, सुपरबली क्राफ्टेड 4 टाइगर पगोडा रूफ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आप जाएंगे इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी के लिए क्लब हाउस में, जहां पर आपको रिवर क्रॉसिंग करने जैसी बहुत जबरदस्त एडवेंचर एक्टिविटी करने को मिल जाएगी। थोड़ी सी एंट्री फीस लगने वाली है, बच्चों की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो बिलो 5 इयर्स हैं और जो अबव 5 इयर्स हैं इनका 20 रुपए के आसपास आपका चार्ज पर एंट्री लगने वाला है। पूरे दिन घूमने के बाद वशिष्ठ टेम्पल आप जाएंगे, तिब्बतन मॉनेस्ट्री जाएंगे, वन विहार जाएंगे, सब कुछ घूमने के बाद आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा आपके होटल में। डे फ्री है, रेस्ट ऑफ द डे फ्री फॉर द लीजर के लिए, डिनर करिए, ओवरनाइट स्टे करिए मनाली के अपने होटल के अंदर। डे 5 पर आप निकलने वाले हैं मनाली के एक्सकर्शन के लिए जिसमें सोलांग वैली रहने वाला है। टुडे एंजॉय एक्सकर्शन टू सोलांग वैली, ऑल्सो कॉल्ड स्नो पॉइंट के नाम से जाना जाता है। खास करके 200 जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में
आपको सोलांग वैली स्नो वैली के रूप में दिखाई देगी, लेकिन अगर इसके अलावा हम बात करें तो आपको खोक्सर में, सिस्सू में और रोहतांग पास पर ही स्नो देखने को मिलती है। अगर आप इन पॉइंट्स को ऐड करवाना चाहते हैं तो ट्रेवल कंपनी से कॉल करके आप ऐसे पॉइंट्स को ऐड करवा सकते हैं। रोहतांग पास एवरी ट्यूसडे को क्लोज रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा पेमेंट बेसिस पर आप इन सभी एक्स्ट्रा जगहों को अपने पैकेज में ऐड करवा सकते हैं। डे 6 पर निकलेंगे मनाली से धर्मशाला के लिए। 280 किलोमीटर की जर्नी लगभग 10 घंटे का समय लेती है। ब्रेकफास्ट करिए, चेकआउट कर दीजिए। धर्मशाला के लिए ओवरनाइट स्टे रहेगा आपका धर्मशाला होटल में पहुंचने के बाद। डे 7 पर निकलेंगे धर्मशाला के लोकल साइट सीइंग के लिए और जाएंगे आप डलहौजी। ब्रेकफास्ट करिए, लोकल साइट सीइंग धर्मशाला के लिए निकल जाइए। जैसे तिब्बतन मॉनेस्ट्री, द टेंपल एंड द दलाई लामा कॉम्प्लेक्स इज अटैच्ड विद ईच अदर, यहां पे आप दर्शन करेंगे। टेंपल 2 फ्लोर्स का एम्पल अमाउंट ऑफ प्लेस फॉर द विजिटर टू सिट, रिलैक्स एंड परफॉर्म मेडिटेशन यहां पे रहने वाला है। द होल कॉम्प्लेक्स इज पेंटेड ब्यूटीफुली विद स्पिरिचुअल स्टैचूज एंड पेंटिंग। इसके बाद आप जाएंगे भक्सुनाथ टेंपल, भक्सुनाथ वाटरफॉल और भक्सुनाथ फॉल क्रिकेट स्टेडियम जो मक्लाइडगंज के अंदर है, ये आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों शाम को आप निकलेंगे डलहौजी के लिए, ऑन अराइवल चेक इन होटल, डिनर करेंगे और ओवरनाइट स्टे रहने वाला है। डे 8 पर निकलेंगे डलहौजी से खजिहार के लिए और वापस आएंगे डलहौजी। अर्ली मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट निकल जाइए मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, जिसे खजिहार के नाम से जानते हैं। स्मॉल टाउन है नियर डलहौजी, विच प्रोवाइड टूरिस्ट अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, लेक्स एंड पेस्चर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। खजिहार्स में आपको 9 होल गोल्फ कोर्स भी देखने को मिलेगा। मिडस्ट ऑफ द लश ग्रीनरी एंड ब्रेक टेकिंग लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। एक स्मॉल प्लेटू है खजिहार बेसिकली, जो आपका स्मॉल लेक से भरा हुआ है। मोस्ट फेवर टूरिस्ट स्पॉट है टाउन के अंदर। खजिहार इज सराउंडेड बाय ग्रीन मीडोज एंड डेंस फॉरेस्ट एंड इट इज आल्सो नोन एज फॉर इट्स ब्यूटीफुली टेम्पल्स। द रीजन आल्सो अट्रैक्ट एडवेंचर सीकर्स एंड हैज ए लॉट ऑफ ऑप्शन इन एडवेंचर स्पोर्ट्स, लाइक पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं आप यहां पे, हॉर्स राइडिंग के साथ साथ जॉर्बिंग, ट्रैकिंग एक्सेट्रा, बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी आपको यहां पर खजिहार और उसके आसपास की बेल्ट में करने को मिल जाएगी। वापस आएंगे इवनिंग में डलहौजी के अपने होटल में, डिनर करने के बाद ओवरनाइट स्टे रहने वाला है। डे 9 पर आप निकलेंगे डलहौजी से अमृतसर के लिए। 198 किलोमीटर की जर्नी लगभग 5 घंटे का समय लेती है। सुबह ब्रेकफास्ट करिए, चेकआउट कर दीजिए होटल से, सामान को रखिए गाड़ी में और निकल जाइए अमृतसर के लिए। डायरेक्टली सबसे पहले पहुंचेंगे आप वाघा बॉर्डर पर, जो वहां पर आप परेड को देखेंगे, इंडो पाक परेड के नाम से जाना जाता है। ऑन अराइवल पहुंच करके चेक इन करेंगे अपने होटल के अंदर और ओवरनाइट स्टे करेंगे अपने अमृतसर के इसी प्रॉपर्टी में। डे 10 पर आप निकलेंगे अमृतसर के साइट सीइंग के लिए। आफ्टर अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, चेकआउट द होटल, विजिट करिए गोल्डन टेम्पल, जलियावाला बाग एंड डिपार्ट टू दिल्ली, एंड दिल्ली ड्रॉप कर दिया जाएगा आपका एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर। एकोमोडेशन क्या क्या यूज किए जा रहे हैं आइए मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं। आपको होटल कैटेगरी में डिलक्स, सुपर डिलक्स, प्रीमियम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। शिमला की बात करें डिलक्स के अंदर, तो आपको स्नो हाइट शिमला या इससे सिमिलर मिलेगा। मनाली में शारदा क्लासिक या इससे सिमिलर मिलेगा। धर्मशाला में हिल व्यू या इससे सिमिलर मिलेगा। और आपको डलहौजी के अंदर न्यू मेट्रो या इससे सिमिलर मिलने वाला है। इसके साथ साथ अमृतसर में होटल V5 या इससे सिमिलर मिलेगा। 200 सुपर डिलक्स में आपको सत्यम पैराडाइज, अग्रवाल रीजेंसी या इससे सिमिलर मिलेगा। मनाली के अंदर सनफ्लावर विला, हिमालयन स्नो हाइट या इससे सिमिलर मिलेगा। धर्मशाला में नड्डी हिल्स या इससे सिमिलर मिलेगा। ब्यास पुष्प या इससे सिमिलर डलहौजी में मिलेगा। और अमृतसर के अंदर होटल अमृतसर इंटरनेशनल या इससे सिमिलर मिलने वाला है। प्रीमियम की बात करें शिमला में कामना हिल्स, रॉक कैसल या इससे सिमिलर मिलेगा। मनाली में स्नो पीक या रिट्रीट, माउंटेन मेजेस्टी, रॉयल पार्क रिसोर्ट या इससे सिमिलर मिलने वाला है। धर्मशाला में अनुपम रिसोर्ट बाय DLS, दिव्यांश होटल बाय DLS या इससे सिमिलर। डलहौजी के अंदर आपको डलहौजी वैली व्यू बाय DLS ग्रुप, आर्क हॉलीडे इन या बाय DLS होटल या इससे सिमिलर मिलने वाला है। अमृतसर के अंदर कंट्री इन हॉल ऑफ हेरिटेज, अमृतसर रेडिसन या इससे सिमिलर आपको दिया जाएगा। पैकेज कॉस्ट बेहद कम रखी गई है, जो दिल्ली से स्टार्ट होकर के दिल्ली पर ही खत्म हो रही है। दो लोगों की कॉस्ट डिलक्स पैकेज की 49,999 रुपए रहेगी। चार लोगों के लिए कॉस्ट 89,999 रुपीज और 6% 119,000 आपकी रहने वाली है। सुपर डिलक्स में दो लोगों की कॉस्ट 54,999 रुपीज
फॉर 4% 99,999 रुपीज, फॉर 6% 1,34,999 रुपीज रहने वाली है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीमियम पैकेज 79,999 फॉर 2%, फॉर 4% 1,49,999, फॉर 6% आपकी रहने वाली है 1,99,999 रुपए। तो दोस्तों पैकेज कॉस्ट अगर हम चंडीगढ़ कैलकुलेट करें तो इस पैकेज में कमी रहने वाली है। इस स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो किसी भी जगह से आप चाहे दिल्ली हो चाहे चंडीगढ़ हो, यहां से अपने पैकेज को स्टार्ट करवा सकते हैं। और अगर आप हनीमून इंक्लूजन को ऐड कराना चाहते हैं तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा आपका कपल लगने वाला है। केक, कैंडल लाइट, डिनर और फ्लावर बेड डेकोरेशन रहने वाला है। एडिशनल पॉइंट अगर आप कवर करवाते हैं तो डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर हो जाएगा। अटल टनल के लिए 2000 रुपीज, अटल एंड शिशु के लिए 2500 एंड अटल टनल विद रोहतांग पास आपका 4000 रुपए की कॉस्ट लगने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी रह गई होगी। फिर भी वीडियो पर कमेंट करके आप किसी भी प्रकार के जुड़े हुए सवालों से संबंधित कमेंट्स को यहां पे पुटअप कर सकते हैं। आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं ताकि हम इसी तरह से अगले नए नए वीडियो आपके लेकर के आते रहें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।